दिल्ली हिंसा की साजिश को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों को अपना हथियार बनाने की अंतरराष्ट्रीय साजिश पर बड़ी खबर आई है। एक बार फिर साबित हो गया कि किसान आंदोलन को खालिस्तानी इस्तेमाल कर रहे हैं। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन यानी कि पीजेएफ के फाउंडर मोहम्मद धालीवाल ने खुद कबूल किया है, कृषि कानून खत्म होने के बाद भी आंदोलन जारी रहेगा। जी हिंदुस्तान से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हिंदुस्तान पर आपको कल ही हमने बताया था कि खालिस्तान समर्थक एजेंसियां किसानों के आंदोलन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हिंदुस्तान ने आपको यह भी बताया था कि पीजेएफ ने 26 जनवरी को दिल्ली हिंसा समेत दुनिया भर में प्रदर्शन का प्लान पहले से बनाया था और अब ये खबर सच साबित हो गई है। किसानों को भड़का रहा है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन यानी पीजेएफ। That means they go back and go home to the poison soil, the poison rivers. That means they get to go back to live the same life of subsistence they've been living this whole time. If the farm bills get repealed tomorrow, that is not a victory. This battle begins with the repeal of the farm bills. It does not end there. If anybody tells you that this battle is going to end with the repeal of the farm bills, that is because they're trying to drain energy from this movement. They're trying to tell you that you are separate from Punjab and that you are separate from the Khalistan movement. You are not. And you have to, at some point, you have to understand the feeling and the emotion that the Khalistan group is bringing to this. I just want you to hear this. I want the young people to hear this. तो खालिस्तान का समर्थन करने वाली संस्था जो पीजेएफ के बारे में हम आपको बता रहे हैं, इसका क्या कुछ इतिहास है, क्या है इसका काम, समझिए। किसान आंदोलन का इस्तेमाल किया जा रहा है इस फाउंडेशन के जरिए और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले, किसानों की आड़ में हिंसा भड़का रही है पीजेएफ। जी हाँ, तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको और ज्यादा जानकारी पीजेएफ के बारे में दे रहे हैं। खालिस्तान का समर्थन करने वाली ये संस्था है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, दिल्ली हिंसा में जुड़े 25 गुनाहगारों की तस्वीर जारी कर दी गई है। गुनाहगारों में 1,00,000 का इनामी नाम सिद्धू भी शामिल है, दीप सिद्धू, जिसको लगातार तलाश की जा रही है। जी हाँ, कई वीडियो और तस्वीरों को एग्जामिन किया गया है और उसको एग्जामिन करने के बाद पहचान की गई है लोगों की। दिल्ली हिंसा में अब तक 37 आरोपियों की तस्वीरें जारी हो चुकी है। लाल किला हिंसा पर अब एक्शन में क्राइम ब्रांच की SIT। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली हिंसा से जुड़े 25 दंगाइयों की तस्वीर जारी कर दी गई है। कुछ दंगाइयों की तस्वीर पहले भी जारी की गई थी और जो तस्वीरें जारी की गई हैं, इसमें 1,00,000 रुपए का इनामी जो सबसे मुख्य आरोपी है दीप सिद्धू, उसका नाम भी शामिल है। कुल 37 आरोपियों की तस्वीर अब तक जारी हो चुकी है दिल्ली पुलिस के जरिए। और एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें, दिल्ली हिंसा का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पुलिस पर हमले की बात साफ देखी जा सकती है। पुलिस को उकसाते दिख रहे हैं उपद्रवी, साफ तौर पर गोली चलाने की धमकी दे रहे हैं, गोली चलाने के लिए उकसा रहे हैं। किस तरीके से लगातार षड्यंत्र की तस्वीरें सामने आ रही है वो देखिए, किस तरीके से यहाँ पुलिस को उपद्रवियों द्वारा उकसाया गया गोली चलाने के लिए, सुनिए जरा। गोली चला तू। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, लाल किले पर उपद्रवियों के हमले का एक और सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। जी हाँ, ये वीडियो हम आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में उपद्रवी बसों में तोड़फोड़ करते हुए आपको नजर आएंगे। वीडियो में आप साफ देख पाएंगे कि कैसे किसानों के नाम पर एक शख्स ट्रैक्टर लेकर लाल किले की दीवार के पास पहुंच जाता है और वहीं मौजूद पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश करता है। वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं लाल किले पर हिंसा का एक और वीडियो, लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं। देखिए, एक के बाद एक तस्वीरें गवाही दे रही हैं, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। देखिए किस तरीके से दंगाई उपद्रवी पहले से पूरी तैयारी के साथ लाठी डंडे फरसे हथियार लेकर यहां पहुंचे थे और उसके बाद किस तरीके से तिरंगे का अपमान यहां पर हुआ। गणतंत्र के गद्दारों को आप पहचानिए। तो ये तस्वीरें, ये वीडियो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो सबूत है और ये वो चेहरे हैं जो इस पूरी साजिश के पीछे जिम्मेदार हैं। जिस तरह से लाल किले पर तांडव मचाया गया, जिस तरह से उपद्रवियों ने हंगामा किया,
लाल परिसर के भीतर अब एक एक करके ये तस्वीरें और ये वीडियो सबूत के तौर पर सामने आ रही हैं और इन्हीं तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से पुलिस इन लोगों की पहचान में जुटी है और सख्त से सख्त कार्रवाई इन सभी गद्दारों के खिलाफ की जाएगी। उपद्रवियों की एक एक कर पोल खुल रही है और ये तस्वीरें जी हिंदुस्तान आप तक पहुंचा रहा है। तो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, गणतंत्र पथ पर हिंसा का लेटेस्ट वीडियो इस वक्त सामने आया उपद्रवियों की, कैसे पोल खुल रही है इन तस्वीरों के जरिए जरा समझिए। जो इस बात का अब तक ऐलान कर रहे थे कि जानकारी नहीं थी, भनक नहीं थी, कौन लोग थे, गुमराह किया गया, उनको वहां भेजा गया, उनको इन तस्वीरों को देखकर एक बार फिर से खुद को आईना देखने की जरूरत है कि देखिए किस तरीके से पूरा प्री प्लान किया गया था। यहां पर लाल किले पर हिंसा की पहले प्लानिंग की गई थी, किस तरीके से ट्रेनिंग ली गई थी और कैसे यहां पर एक साथ हजारों की संख्या में उपद्रवी पहुंचे, इसके वीडियो अब लगातार सामने आ रहे हैं। पहले पुलिस को भड़काया जाता है, पुलिस को उकसाने की कोशिश, पुलिस पर हमले होते हैं और उसके बाद किस तरीके से भीड़ एकत्रित होकर हिंसा को अंजाम देती है, ये तस्वीरें उस बात की गवाही दे रही है। जी हाँ, तो लगातार देखिए इस तरह की वीडियोज और तस्वीरें सामने आ रही है और ये तस्वीर लेटेस्ट वीडियो है, ये गणतंत्र के गद्दारों को आप इसमें देख सकते हैं। और एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दिल्ली से ये बड़ी खबर, आईजीआई एयरपोर्ट में संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुआ है। कतर से लौटने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने पकड़ा है, बड़ी खबर, दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में रहने वाला है संदिग्ध आतंकी मुनीब अहमद को गिरफ्तार किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से ये बड़ी खबर है, आईजीआई एयरपोर्ट से संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुआ है। तस्वीर सबसे पहले इस वक्त जी हिंदुस्तान आपको दिखा रहा है, कतर से लौटने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसको पकड़ा है। तो दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग का ये रहने वाला है संदिग्ध आतंकी मुनीब अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया, ये बड़ी खबर इस वक्त की, संदिग्ध आतंकी और इसकी तस्वीर भी आप देखिए, जी हिंदुस्तान ये तस्वीर भी आपको दिखा रहा है, ये बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से इस संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। कतर से यह शख्स लौट रहा था और कतर से लौटने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसको पकड़ा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर जी हिंदुस्तान सबसे पहले यह खबर आप तक पहुंचा रहा है कि किस तरह से संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं फारूक, संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी क्या कुछ जानकारी अब तक सामने आई है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो दिल्ली है वहां पे इसकी गिरफ्तारी जो है अमल में लाई गई है और बताया जा रहा है कि ये सीधे जो है कतर हवाई अड्डे से होकर एक विमान में आया था और पहले से जम्मू कश्मीर पुलिस की जो पार्टी है वो दिल्ली एयरपोर्ट पे मौजूद थी और उनको जानकारी इसमें पूरी तरीके से थी कि जो ही वो वहां पे पहुंचेंगे तो उसकी गिरफ्तारी जो है वो की जाएगी और जो ही वो विमान से उतरे और उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और बताया जा रहा है कि वो मिलिटेंट हसू सेठ है, लश्कर जैश मोहम्मद संगठन से जुड़ा हुआ है और पैसे के सिलसिले में उसका लेन देन जो है जो आतंकवादी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं उस सिलसिले में उसको टास्क दिया गया था और पैसे के सिलसिले में ही वो जो वलीद भाई है पाकिस्तान उनसे उसके साथ संपर्क में था और कहीं ना कहीं जो घाटी में गतिविधियां बढ़ रही हैं उनको पैसे उन संगठनों तक पहुंचाने के लिए उनको ये टास्क दिया गया था। शुक्रिया फारूक, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप नजर बनाए रखें, लौटेंगे आपके पास अपडेट्स के लिए। और इसी के साथ यहां एक वक्त हो गया ब्रेक का, खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान। और अब बारी है देखो जी हिंदुस्तान जीतो इनाम की। हमारा आज का सवाल है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं होमिनोडिया, अरस्तु, राना टिग्रिना या रुसर्वस डुआसेनी। जवाब देने के लिए जी हिंदुस्तान ऐप डाउनलोड करिए, देखो जी हिंदुस्तान जीतो इनाम का बटन दबाइए, सही जवाब दीजिए और एलईडी टीवी जीतने का मौका पाइए। आप अपने जवाब हमें रात 12 बजे तक ही भेज सकते हैं। आज के विजेता का ऐलान कल रात 8 बजे वंदे मातरम शो में किया जाएगा।